पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार विजयादशमी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयादशमी पर उज्जैन पहुंचे और महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पावन महाकाल की सवारी में सम्मिलित हुए और दशहरा मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने शमी के पेड़ का पूजन अभिषेक किया और रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि 11 अक्टूबर के लिए देश प्रदेश और उज्जैन शहर की जनता को महाकाल लोक के भव्य आयोजन के लिए आमंत्रित किया। उज्जैन में 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया, लेकिन बारिश के कारण लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बारिश के बीच दशहरा मैदान पहुंचकर गिरते पानी में आम लोगों को संबोधित किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को 11 अक्टूबर को अपने घरों में दीपक जलाने और महाकाल लोक के कार्यक्रम में सहभागिता करने की गुजारिश की। सीएम ने कहा कि आज विजयादशमी का पर्व है और सभी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। अपने मन में बसी बुराई को मारें, शरीर की बुराई से जीतें। अद्भुत पल है ये, अद्भुत समय है ये। चहुं ओर आनंद की वर्षा हो रही है, उत्साह का वातावरण है। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार की विजयादशमी कुछ अलग है। अवंतिका नगरी में, उज्जैन में महाकाल महाराज की कृपा से ही अद्भुत श्री महाकाल लोक बना है।